हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार मैं लाइट्स ऑन कर लूँ, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा। लाइट्स आर नॉट ऑन, सो एक बार थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए सो दैट आई मे बी एबल टू स्विच ऑन द लाइट्स। वेट फॉर अ सेकंड और उसके बाद फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, नंबर वन, वेयर इज द सेकंड, हियर इज द सेकंड वन। चलिए, या अब लगा कि हाँ दिन सा निकला। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। 162वीं क्लास है, वकैब मंत्रा डे 23। और अभी तक जितनी भी 161 क्लास हुई है बेटा, अगर वो आप रिवाइज कर लेते हो, पढ़ लेते हो, शब्दों को पहचान लेते हो, याद नहीं करना है, सिर्फ पहचान बनानी है, बार बार उन्हें पढ़ना है। और पहचान अगर हो गई आपकी तो फिर सारी चीज़ें डन होती चली जाएंगी, राइट? क्योंकि शब्दों को पहचानना ही एकमात्र साधन है। और धीरे धीरे जब आपकी पहचान बनने लगेगी तो आपकी रीडिंग डेप्थ में जाएगी, राइटिंग डेप्थ में जाएगी, और रिटन एग्जाम वगैरह जितने भी हैं वो सारे क्रैक होने लगेंगे क्योंकि आंखें पहचानने लगेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वकैब मंत्रा डे 23। पहला वर्ड हमारे पास है ओरिफाइस, राइट? ये जो वर्ड ओरिफाइस है, ओरिफाइस का मतलब कहीं भी छेद होता है बेटा, खासकर बॉडी में जो कहीं पे छेद बना होता है नेचुरली, दैट इज कॉल्ड ओरिफाइस, राइट? सो ओरिफाइस का मतलब कहीं पे जो छेद होता है, दैट इज कॉल्ड ओरिफाइस। जैसे कि होल, ओपनिंग, क्रैक, आउटलेट माने बाहर जाने का रास्ता। आउटलेट भी अगर कोई छिद्र होगा, कोई छेद होगा, तभी बाहर आने जाने का रास्ता बनेगा। और यहाँ पर एक वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, फिशर। फिशर का मतलब दरार होती है। कहीं पे भी अगर कोई दरार आ गई है, राइट, जहाँ से कोई लिक्विड रिस रहा है, उसको हम फिशर कहते हैं, राइट? फिशर इज़ अ डिजीज़ ऑल्सो, राइट? फिशर इज़ अ डिजीज़ ऑल्सो। जब कहीं हमारे मल द्वार में, राइट, जो बाउल्स का एरिया है, अगर वहाँ पर कहीं पे दरार आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड फिशर। फिशर इज़ अ डिजीज़, राइट? एक बीमारी भी है, तो दैट इज़ कॉल्ड फिशर। फिशर का मतलब दरार। सो दैट इज़ कॉल्ड फिशर का मतलब कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए दीवार है, दीवार में भी अगर कोई दरार है तो उसे भी फिशर कह सकते हैं। फिशर इज़ अ डिजीज़ एज वेल, राइट? और उसमें ज़ख्म हो जाते हैं, सो इन द एरिया ऑफ योर बाउल्स, वेयर द बाउल्स आर रिलीज्ड, तो वहाँ पर अगर कोई दरार हो जाती है, दैट इज़ अ डिजीज़, राइट? उसको फिशर कहा जाता है। अपैचर का भी मतलब दरार है बेटा, कहीं पे बीच में दरार है, जैसे मान लीजिए कोई दीवार है और उसके बीचों बीच कोई दरार आ रही है, तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं, फिशर है, अपैचर है। एक वर्ड आता है इसमें क्रेविस, राइट? सो वो भी दरार के लिए आता है। ओरिफाइस, होल, ओपनिंग, क्रैक, आउटलेट, फिशर और अपैचर, इन सब का मतलब क्या है, दरार। इसमें तीन वर्ड्स बड़े अच्छे मिले हमें, आउटलेट किसी काम का नहीं, क्रैक किसी काम का नहीं, क्योंकि जो ये शब्द कॉमन है, ये एग्जाम या कभी भी न्यूज़पेपर में अटकेंगे नहीं। ओरिफाइस है, ओरिफिस भी पढ़ा जाता है, ये भी याद रखिएगा, राइट? और फिशर, अपैचर, तीन वर्ड्स काम के हैं। अब जरा स्टेटमेंट देखें, द ओरिफिसेस ऑफ नोज हेल्प अस ब्रीद। जो नाक के छेद हैं, राइट, इस सेंस को अगर हम देखें, जो नाक के छेद हैं, नॉस्ट्रल्स जो हैं, द ओरिफिसेस ऑफ नोज हेल्प अस ब्रीद। ओरिफाइसिस भी पढ़ा जा सकता है, राइट? ओरिफाइसिस ऑफ नोज हेल्प अस ब्रीद, ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है। जो नाक के छेद हैं वो हमें सांस लेने में मदद करते हैं। तो ये हमारा पहला वर्ड, ओरिफिस, होल, ओपनिंग, क्रैक, आउटलेट, फिशर, अपैचर, राइट? सेंटेंस जरूर लिखिएगा, चाहे सारे वर्ड्स लिखे ना लिखें, इसमें जिन वर्ड्स को सर्कल करता हूँ वो तो जरूर लिख लिया करो कि ओरिफिस है, फिशर है, अपैचर है। मैंने इन वर्ड्स को सर्कल नहीं किया, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला वर्ड प्रीएम्प्टरी है। प्रीएम्प्टरी बहुत अच्छा शब्द है बेटा, और प्रीएम्प्टरी का मतलब होता है जब कोई इस टोन में बोलता है कि कोई काम बहुत ज़रूरी है, जब कोई इस तरीके से बात करता है कि कोई काम बहुत ज़रूरी है और इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड प्रीएम्प्टरी, राइट? कि तू जल्दी से जल्दी कर, अभी के अभी कर, बिना टाइम गवाए, कि अभी के अभी ये काम होना चाहिए। तो ये जो टोन है, अभी के अभी ये काम होना चाहिए, अभी के अभी आपको ये काम करना पड़ेगा, ये प्रीएम्प्टरी टोन है, राइट? इसमें हम क्या कर रहे हैं, आस्किंग स्विफ्ट एक्शन। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, फुर्तीला, तेज़, जो तेज़ एक्शन है उसकी डिमांड की जा रही है, राइट? तो प्रीएम्प्टरी का मतलब है आस्किंग स्विफ्ट एक्शन। डॉगमेटिक इसलिए कहा गया क्योंकि एक तरीके से तानाशाह टाइप, डॉगमाज का मतलब अपने सिद्धांतों पर चलने वाला, राइट? अपने सिद्धांतों को, यानी कि दकियानुसी जो पुराने विचार हैं उसी के आधार पर अगर आपको ज़बरदस्ती चलाता है कोई, तो डॉगमेटिक किस्म का इंसान होता है। ऑटोक्रेटिक भी वही है, बहुत अच्छा शब्द। ऑटोक्रेट कौन होता है, तानाशाह होता है। ऑटोक्रेटिक का मतलब तानाशाही से भरा हुआ। अथॉरिटेटिव, जो अपनी अथॉरिटी के अंदर दूसरों को दबा के रखता है, दैट्स कॉल्ड अथॉरिटेटिव। डायरेक्ट,
यानी कि डायरेक्ट कमांड देने वाला, डायरेक्ट कहने वाला कि भाई आपको ये काम करना है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट पर्सन। पोलाइट और सिविल, सिविल का मतलब होता है सारे शिष्टाचार का पालन करने वाला, राइट जैसे कई बार आपके पापा कह देते हैं कि अभी के अभी पानी लेके आ, अभी के अभी पानी लेके आ, मतलब दिस इज प्रीएम्प्टरी टोन, राइट। जैसे अधिकतर जो कोच होते हैं वो प्लेयर्स से जब काम करवाते हैं तो वो बहुत पोलाइट तरीके से नहीं कहेंगे, वो जब कहेंगे तो थोड़ा सा उनका तरीका हार्ड होगा कि आपको ये करना है तो करना है, अगर ग्राउंड के चार चक्कर लगाने हैं तो लगाने हैं, दैट्स ऑल। क्यों लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, ये क्यों नहीं लगाएं, क्यों लगाएं, इसके लिए कोई जगह नहीं है, लगाने हैं मतलब लगाने हैं, जाके चार चक्कर लगा के आओ, राइट। ज़रा स्टेटमेंट अगर देखें तो वाक्य बनता है आई फील मोटिवेटेड। अब ज़रा महसूस करें कि वाक्य किस सेंस में जा रहा है, कि मुझे बड़ा मोटिवेशन महसूस होता है, आई फील मोटिवेटेड बाय द प्री एम्प्टरी टोन ऑफ माई कोच, आई फील मोटिवेटेड बाय द प्री एम्प्टरी टोन ऑफ माई कोच। मैं अपने कोच की प्री एम्प्टरी टोन से, यानी कि जब मेरे कोच इस तरीके से बात करते हैं कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, तो वो जो टोन है मेरे कोच की वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आई फील मोटिवेटेड बाय द प्री एम्प्टरी टोन ऑफ माई कोच, मेरे कोच की जो प्री एम्प्टरी टोन है उस वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। प्री एम्प्टरी टोन ऑफ माई कोच, इसका मतलब कोच क्या कह रहा है कि आई नीड कैसा एक्शन, स्विफ्ट एक्शन, राइट। वो स्विफ्ट एक्शन की डिमांड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्री एम्प्टरी एक्शन या प्री एम्प्टरी टोन। आई फील मोटिवेटेड बाय द प्री एम्प्टरी टोन ऑफ माई कोच, ये वाक्य आया। और वाक्य जब तक नहीं समझोगे तब तक शब्द को सीखने का कोई फायदा नहीं, शब्द तभी समझ में आएगा जब वाक्य आप अच्छे से समझ लो, राइट। अगले वर्ड पर चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। दो वर्ड अभी तक हमने किए, एक हमने किया ऑरिफिस और एक हमने किया प्री एम्प्टरी। अगला वर्ड है प्रीसम्प्शियस। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रीसम्प्शियस। प्रीसम्प्शियस का मतलब होता है, मतलब कुछ इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बन के व्यक्ति, कॉन्फिडेंट व्यक्ति बन के दिखा रहा है जो लोगों को अभद्र लग रहा है, उसको प्रीसम्प्शियस कहते हैं, राइट। व्यक्ति इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बन के दिखा रहा है कि जो लोगों को अभद्र लगता है, दैट इज कॉल्ड प्रीसम्प्शियस। यानी कि इतना ज्यादा बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट जो कि अच्छा नहीं माना जाता, राइट। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं धुआं उठा दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, ये जो भी बातें हैं ये प्रीसम्प्शियस टॉक्स हैं, राइट। ये व्यक्ति का एक ऐसा नेचर है जो उसको बताता है कि वो प्रीसम्प्शियस है, इमोडेस्ट है, राइट। मतलब हटी और दुराग्रही जिसे कहते हैं, मतलब एक तरीके का ये नहीं कि इसको अच्छा नहीं माना जाता, बोल्ड तो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है कि ही इज़ वेरी बोल्ड, ही इज़ वेरी बोल्ड एंड ब्रेव। ब्रेव एंड बोल्ड का मतलब होता है कि भाई वो बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंट किस्म का आदमी है, बोल्ड पॉजिटिव होता है, पर प्रीसम्प्शियस कभी भी पॉजिटिव नहीं माना जाता, इसे दुराग्रही कहा जाता है। अपने एक तो आग्रह पर, एक अपने दिमाग के सही विचार पर कोई व्यक्ति अड़ता है, कोई दिमाग अगर गलत कह रहा है वो पहचान नहीं पा रहा कि गलत कह रहा है, यानी कि जब वो दुराग्रह से अड़ा हुआ है, राइट। एक मन का जो गलत विचार है जब उससे वो अड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं प्रीसम्प्शियस किस्म का आदमी है बेटा, राइट। तो प्रीसम्प्शियस का मतलब बोल्ड है, इमोडेस्ट है, ओडाशियस है, ओडाशियस बहुत अच्छा शब्द है, इमोडेस्ट बहुत अच्छा शब्द है। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है, जो सही सही हो, ना कम ना ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड मोडेस्ट। इंसोलेंट बहुत अच्छा शब्द है, इंसोलेंट का मतलब होता है अभद्र और घमंडी, अभद्र किस्म का जो व्यक्ति होता है उसे हम कहते हैं क्या, इंसोलेंट। एरोगेंट का भी मतलब क्या है, घमंडी, बहुत ज़्यादा घमंडी। तो बेटा जो व्यक्ति अगर प्रीसम्प्शियस होगा तो उसे एरोगेंट तो कहा जाएगा ना, उसे ये कहा जाएगा कि यार देखो बिना सोचे समझे कुछ भी कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी किस्म का इंसान। एरोगेंट भी बहुत अच्छा शब्द है बेटा। तो इसमें हमें तीन चार वर्ड्स हैं जो सीखने को मिले। बोल्ड एक कॉमन शब्द है, बाकी सारे वर्ड्स इसके बहुत अच्छे हैं, प्रीसम्प्शियस है, इमोडेस्ट है, ऑडाशियस है, इंसोलेंट है, एरोगेंट है, ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, रीजनेबल और मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब होता है सही सही सा, न कम ना ज़्यादा, यानी कि डाउन टू अर्थ किस्म का आदमी, जो सही सही तरीके से बिहेव करता है, सही सही तरीके से बात करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोडेस्ट, राइट। मोडेस्टी कहते हैं ना बड़प्पन, इट्स योर मोडेस्टी, कहते भाई आपका बड़प्पन है। तो मोडेस्ट का मतलब होता है जो बहुत सही सही व्यवहार करता है, राइट। यानी कि ना तो ज़्यादा झुकता है, ना ज़्यादा अकड़ता है, ऐसा व्यक्ति मोडेस्ट कहलाता है। स्टेटमेंट लेते हैं, इट्स प्रीसम्प्शियस ऑफ यू। कहते हैं यार ये बहुत ज़्यादा ही कुछ आप ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, क्यों, क्योंकि आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बातें कर रहे हो और कमेंट कर रहे हो। इट्स प्रीसम्प्शियस ऑफ यू टू टॉक अबाउट देयर पर्सनल लाइफ। अब किसी की पर्सनल लाइफ है, राइट, किसी के पर्सनल रिलेशन है, किसी की अपनी ज़िंदगी है, तो अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें कर रहे हो, कुछ कमेंट कर रहे हो, उनके बारे में कुछ धारणाएं लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, तो ये
आपको कॉन्फिडेंट नहीं माना जाएगा कि आप किसी की पर्सनल लाइफ को पब्लिकली डिस्कस कर रहे हो, तो ये माना जाएगा कि यू आर वेरी प्रीसम्पशियस। ये माना जाएगा कि आप बोल्ड तो हो बट एक मूर्खतापूर्ण तरीके से बोल्ड हो। किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बातें करने का या कमेंट करने का अधिकार नहीं है। इट इज़ वेरी एरोगेंट ऑफ यू, इट इज़ वेरी ऑडाशियस और इंसोलेंट ऑफ यू, यानी कि बहुत अभद्र बात है ये आपकी कि आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करो, राइट? सो इट इज़ वेरी प्रीसम्पशियस, इट इज़ प्रीसम्पशियस ऑफ यू, इट इज़ प्रीसम्पशियस ऑफ यू टू टॉक अबाउट देयर पर्सनल लाइफ। बहुत प्रीसम्पशियस है कि आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करो, यानी कि एक तरीके से सही नहीं मानी जाती बेटा ये बात। नाउ लेट्स मूव ऑन, प्रीसम्पशियस के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रीसम्पशियस के बाद अगला वर्ड है रिवल्शन। रिवल्शन, डिस्गस्ट, हॉरर, डिसलाइक, रिपग्नेंस, नौशिया। रिवल्शन का मतलब होता है बेटा, किसी चीज को देखकर जब आपके मन में बहुत अत्यधिक घृणा आ रही हो और उस तरफ देखने का मन ही ना करें, दैट्स कॉल्ड रिवल्शन। जैसे किसी चीज को लेकर इतनी घृणा कि उसको देखने तक का मन ना करे, वो रिवल्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर बहुत ज्यादा खून खराब है या रोड पर बहुत सारे मास के, मान लीजिए जैसे कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और वहां पर मास के लोथड़े लोगों के बिखरे पड़े हैं, तो उन मास के लोथड़ों की तरफ आपको देखने का मन करेगा या फिर रिवल्शन होगा? तो आपके मन में रिवल्शन पैदा होगा। कितना, इतना ज़्यादा किसी के प्रति, किसी दृश्य के प्रति, किसी साइट के प्रति एक ऐसा सडन एक्सप्रेशन जो कि घृणा से भरा हुआ हो, जो कि अच्छेपन से ना भरा हो, दैट इज कॉल्ड रिवल्शन। रिवल्शन का मतलब एक तरीके से आप हिंदी में लिखना चाहो तो घृणा लिख सकते हो। किताब में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हिंदी लिखी भी मिलेगी आपको। तो जो घृणा होती है मन की, डिस्गस्ट है, हॉरर है, डिसलाइक है, ये वर्ड बहुत अच्छा है। रिवल्शन बहुत अच्छा शब्द है। फिर रिपग्नेंस बहुत अच्छा शब्द है। ये ज़रूर वर्ड्स जिनको मैं कह रहा हूँ अच्छा है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, या फिर ये वो वर्ड्स हैं जो आपको कहीं भी अटकाएंगे। नौशिया, कहीं भी टेस्ट करेंगे तो अच्छे शब्द और अच्छे वाक्यों का टेस्ट है। यहाँ अट्रैक्शन और चार्म तो बड़े कॉमन शब्द है। चार्म का मतलब जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करे वो चार्म होता है। नौशिया का मतलब सर चकराना या उल्टी आने का मन होना। अब जब उल्टी आने का मन करेगा तो फिर ध्यान टिकेगा थोड़ी, वो अट्रैक्शन थोड़ी है, वो तो डिस्ट्रैक्शन है ना मन के लिए, राइट? तो नौशिया पढ़ा जाएगा। नौशिया है, रिपग्नेंस है, रिवल्शन है, बड़े अच्छे शब्द है। स्टेटमेंट अगर देखें तो और भी बेहतर समझ में आएगा। शी लुक्ड एट द कोन मैन। कोन मैन का मतलब क्या होता है? जो ठग होता है, चीटर, ठगी करने वाला, जो ठग होता है, हिंदी में लिख दिया मैंने ठग, चीटर, विद रिवल्शन। शी लुक्ड एट द कोन मैन, यानी कि जो चीटर है उसकी तरफ वो कैसे, अट्रैक्शन से उसकी तरफ देखा या रिवल्शन, रिवल्शन से। रिवल्शन मतलब घृणा से भर के, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा घृणा थी जब उसकी तरफ देखा। शी लुक्ड एट द कोन मैन विद रिवल्शन, यानी कि जो ठग था, ठग की तरफ उसने बड़ी घृणा से भर के देखा, यानी कि एक ऐसा भाव था जिसमें कोई भी चार्म और अट्रैक्शन नहीं था, अच्छा भाव नहीं था, मन में घृणा से भर के उसने उसकी तरफ देखा, तो रिवल्शन। रिवल्शन का मतलब घृणा हो गया। चार वर्ड्स हमने अभी तक किए, पांचवें वर्ड की तरफ चलते हैं। वर्ड है स्केप्टिकल, बड़ा अच्छा शब्द है। इसका मतलब बड़ा ही शक्की किस्म का आदमी, जो हर एक बात पे शक कर ले, स्केप्टिकल, शक करने वाला, जो शक्की किस्म का इंसान है, दैट इज कॉल्ड स्केप्टिकल। डाउटफुल, डिसबिलीविंग, अनकन्विंस्ड, यानी कि वो कभी कन्विंस्ड महसूस नहीं करता, उसको हमेशा ये लगता रहे दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है, उसको हमेशा एक शक रहेगा। सस्पिशियस किस्म का आदमी, जो हमेशा सस्पिशन से घिरा रहे, आशंका से घिरा रहे, वो किसी को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, वो अपने को लेके भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, उसे हर एक बात पे शक होता है, उसे हर एक बात पे डाउट होता है, वो सर्टन नहीं हो सकता। सर्टन का मतलब क्या होता है? पक्का। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? जिसको विश्वास है, जो विश्वास करता है, जो आत्मविश्वासी है वो दूसरे पर भी विश्वास करेगा, जो खुद में विश्वासी नहीं है वो दूसरे पर भी विश्वास नहीं करेगा। तो स्केप्टिकल किस्म का इंसान का मतलब शक्की किस्म का इंसान होता है, राइट? बींग अ स्केप्टिकल लेडी, एक शक्की औरत होने के नाते, हिज वाइफ इज अ पेन इन हिज नेक। और पेन इज इन नेक का मतलब क्या होता है? अ बिग प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी समस्या। उसकी जिंदगी की, जो उसकी वाइफ है, वो एक बहुत बड़ी संपत्ति नहीं है, एक बहुत बड़ी विपत्ति है। क्यों? क्योंकि वो बहुत शक्की है। बींग अ स्केप्टिकल लेडी, हिज वाइफ इज अ पेन इन हिज नेक, यानी कि उसके लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो छोटी छोटी बात पर शक करती है। किसी भी बात के लिए उसे बार बार क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है, या बार बार वो लेडी कुछ भी कहेगी तो वो कॉन्फिडेंट नहीं होती उस बात को लेकर, वो क्रॉस चेक हर एक चीज़ को करती है। तो बींग अ स्केप्टिकल लेडी, हिज वाइफ इज अ पेन इन हिज नेक, ये वाक्य बड़ा अच्छा है, राइट? कि एक स्केप्टिकल लेडी होने के नाते उसके लिए उसकी जो वाइफ है इज अ बिग प्रॉब्लम। नेक्स्ट,
अगला वर्ड है सेक्लूजन, बड़ा अच्छा शब्द है। सेक्लूजन का मतलब एकांत होता है बेटा, जहां पर सिर्फ आप बचे और कोई नहीं बचा, किसी की कंपनी नहीं बची, किसी का इंक्लूजन नहीं बचा, कोई आपके साथ नहीं है, सेक्लूजन है, राइट। जैसे आपाधापी की जो सिटी लाइफ है, जो शहर की जिंदगी है, इससे लोग थोड़ी देर के लिए, जैसे कुछ या तो साल में, कुछ महीने में, कुछ दो तीन महीने के बाद पहाड़ों की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा उन्हें महसूस होता है क्या, थोड़ी आइसोलेशन महसूस होती है, थोड़ा सेक्लूजन महसूस होता है, थोड़ा एकांत महसूस होता है। सेक्लूजन का मतलब जहां पर कोई नहीं बचा, जहां पर सिर्फ आप हो। सॉरी, सेक्लूजन का मतलब एकांत होता है बेटा। जैसे जहां पे भी लोग तपस्या करते हैं, तपस्वी लोग, तो वो क्या ढूंढते हैं, क्या वो भीड़ ढूंढते हैं या एकांत ढूंढते हैं? एकांत ढूंढते हैं। जैसे लाइब्रेरी में आपको क्या मिल जाता है, क्या लाइब्रेरी में इंक्लूजन मिलता है, कंपनी मिलती है, या सेक्लूजन? सेक्लूजन और प्राइवेसी मिलती है बेटा। आइसोलेशन, जैसे आइसोलेशन ये वर्ड तो खैर जब कोविड आ चुका है, तो कोविड में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए, लोगों को आइसोलेट किया गया। तो आइसोलेट का मतलब क्या होता है, अलग कर देना, एकांत में भेज देना, अलग थलग कर देना। लोनलीनेस माने अकेलापन, ये एक मतलब एकांत का नेगेटिव स्टेट है, जब कोई किसी को मिस कर रहा हो तो लोनलीनेस होता है। क्वाइट का मतलब, ये अच्छा शब्द है, शांत। अब जब एकांत होगा, क्योंकि शोर कहीं ना कहीं भीड़ के कारण ही होता है, तो क्वाइट हो जाती है सराउंडिंग। साइलेंस का भी मतलब शांत है। इंक्लूजन और कंपनी मतलब किसी का साथ हो, राइट। दे बिल्ड अ हाउस इन फॉरेस्ट, उन्होंने जंगल में एक घर बनाया, फॉर द लाइफ ऑफ सेक्लूजन, यानी कि एकांत की जिंदगी प्राप्त करने के लिए, एकांत में थोड़ा सा समय बिताने के लिए, फॉर द लाइफ ऑफ सेक्लूजन दे बिल्ड अ फॉरेस्ट, दे बिल्ड अ हाउस इन फॉरेस्ट, यानी कि उन्होंने जंगल में एक घर बनाया ताकि उन्हें एकांत महसूस हो सके, सेक्लूजन महसूस हो सके, राइट। जिंदगी भरी हुई है इंक्लूजन से, कंपनी से, पर जब आप अंतिम क्षणों में होते हैं, जब ये शरीर छोड़ने का समय आता है और आंखें बंद होती हैं, तो आपको ये बात महसूस होती है कि जिसको मैं इंक्लूजन या कंपनी मान रहा था वो एक भ्रम था। हकीकत में सत्य ये था कि चाहे बेशक मैं इंक्लूजन में रहा हूँ, पर मेरे अंदर का एकांत हमेशा एकांत ही रहा, वो सेक्लूजन में ही रहा, राइट। और ये मरते हुए हर व्यक्ति डिसाइड करता है कि इंक्लूजन में भी एक सेक्लूजन का भाव हमेशा आपके साथ रहा है, पर इंक्लूजन और कंपनी में हम इतना मस्त हो गए, इतना व्यस्त हो गए कि उस सेक्लूजन को कभी महसूस नहीं कर पाए। मेडिटेशन उस इंक्लूजन में सेक्लूजन को प्राप्त करने की अवस्था है, राइट। उसी को हम ध्यान कहते हैं, कि किसी के साथ होते हुए भी अपने एकांत को भंग ना करना, अपने अकेलेपन में रहना और उसमें मस्त रहना, राइट। टू लिव अ लाइफ ऑफ सेक्लूजन। नेक्स्ट, अगला वर्ड है सातवां, बड़ा अच्छा शब्द है स्पूर। स्पूर का मतलब होता है बेटा, आपने देखा होगा कि डॉग्स जब जाते हैं, व्हेन दे गो समवेयर, तो वो क्या करते हैं, वो रास्ते में चलते चलते दे यूरिनेट। डॉग्स जो है वो बार बार यूरिनेट करते हैं, राइट। ऐसे ही बहुत सारी गिलहरियाँ ऐसी होती हैं, स्क्विरल्स, वो क्या करती है, वो एक लिक्विड, स्पेशल लिक्विड वहाँ पे ड्रॉप करती जाती हैं, राइट। तो ये जो डॉग्स क्या कर रहे हैं, ये जो निशान छोड़ते हुए जाते हैं, इसका मतलब होता है कि अ ट्रैक और स्मेल दैट अ वाइल्ड एनिमल लीव्स व्हेन दे ट्रेवल। देखो, उस स्मेल के रास्ते वो वापस भी आ सकते हैं, राइट। उसी स्मेल को वो सूंघेंगे, और स्मेल को सूंघ सूंघ के आप उसे कितनी भी दूर छोड़ के आ जाओ, उस स्मेल के रास्ते से उस स्मेल को पकड़ के वो वापस भी आ सकते हैं। यानी कि जो डॉग है वो स्पूर छोड़ता है वापस आने के लिए, एवरी डॉग। देखो वाक्य, देखो एंटोनिम कोई नहीं इसका, क्योंकि जरूरी नहीं हर शब्द का एंटोनिम हो, टेबल का एंटोनिम कुर्सी थोड़ी होगा, राइट। जरूरी नहीं कि हर शब्द का एंटोनिम हमें मिल जाए या उल्टा शब्द मिल जाए। एवरी डॉग लीव्स स्पूर टू कम बैक। स्पूर का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी गंध, वो कैसी भी हो सकती है, राइट। लाइक डॉग्स ने आपने देखा होगा, डॉग्स बार बार यूरिनेट करते हुए चलेंगे, आप जाएंगे तो कहीं भी लेके जाएं, राइट। तो डॉग्स यूरिनेट इतना ज़्यादा इसलिए करते हैं बिकॉज दे स्पूर द वे। स्पूर का मतलब वो एक ट्रैक, एक स्मेल छोड़ देते हैं वहाँ पर। एवरी डॉग लीव्स स्पूर टू कम बैक। अगर किसी रास्ते पर वो निकल रहे हैं तो वापस आने के लिए वो रास्ते पर क्या छोड़ देते हैं, एक स्मेल छोड़ देते हैं, राइट। सो दैट दे मे बी एबल टू कम बैक। नेक्स्ट बेटा स्पोर। स्पोर जैसा ही साउंड, साउंड सेम सा लगेगा पर अलग है। स्पोर का मतलब बीजाणु होता है, एक सेल जो कि या तो एनिमल बन जाता है या फिर प्लांट बन जाता है, वो स्पोर है, राइट। स्पोर बिकम्स द बेस ऑफ लाइफ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। यहाँ पे आप स्पोर का मतलब देख सकते हैं बीजाणु, वो बीज जो कि एक ऐसा सेल जो कि चेंज हो जाता है या तो प्लांट में या एनिमल में। स्पोर का मतलब है वो सेल्स जो कि सेल्स दैट चेंज, यहाँ पर सेल्स है, अगर दैट से पहले सेल्स है तो यहाँ चेंजेस नहीं होगा, ये बात आप जानते हो। यहाँ पे क्या होगा, चेंज। सेल्स दैट चेंज इनटू प्लांट और एनिमल,
ऐसे सेल्स जो कि एनिमल या प्लांट में चेंज हो जाते हैं. स्पोर बिकम्स द बेस ऑफ लाइफ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो बीजाणु है, जो बेस है, वो सेल्स ही बेस बन जाती हैं किसका? प्लांट्स और एनिमल्स का, राइट. तो आगे चलते हैं अगले वर्ड पर. अगला वर्ड हमारा है अल्टीरियर, का मतलब बेटा छिपा हुआ होता है. कोई भी चीज जो हिडन है उसे हम कहते हैं क्या? अल्टीरियर. अल्टीरियर, अल्टीरियर का मतलब हिडन होता है. ये वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, न्यूज़पेपर में बहुत आता है. हिडन सीक्रेट कॉमन शब्द है. कंसील्ड अच्छा शब्द है, छिपाया हुआ. अननोन कॉमन शब्द है. कोवर्ट बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है. और जो चीज़ ओपन में हो रही है ऑब्वियस है, खुला है, राइट. तो अल्टीरियर का मतलब हिडन होता है. जैसे वाक्य को ले, स्पाई का मतलब क्या होता है? गुप्तचर. स्पाई का मतलब क्या होता है? जो गुप्तचर होते हैं, राइट. स्पाई जो छुप कर काम करते हैं, जैसे रॉक एजेंट हैं, ISI के हैं, राइट. तो ये क्या होते हैं? ये स्पाई होते हैं, ये गुप्तचर होते हैं. अ स्पाई कीप्स हिज प्लान. क्या वो ओपन रखता है? एक गुप्तचर जो होता है, क्या वो अपने प्लान को ओपन रखता है या छिपा के रखता है? वो छिपा के रखता है, यानी कि वो अल्टीरियर रखता है, राइट. अ स्पाई कीप्स हिज प्लान अल्टीरियर. वो छिपा के रखता है, यानी कि ओपन नहीं करता, बताता नहीं कि उसके मन में इंटेंशंस क्या है. जैसे यू हैव अल्टीरियर इंटेंशंस फॉर मी, इसका मतलब आपकी इंटेंशंस कुछ ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो परोक्ष भी है आपके मन में मेरे प्रति. दैट इज कॉल्ड अल्टीरियर बेटा. दसवां, दसवां वर्ड है विजुअलाइज, राइट. विजुअलाइज करना, इमेजिन, ड्रीम ऑफ, थिंक. विजुअलाइज आप जानते हो कि आंखों के आगे कोई चीज रखना, बार बार रखना, जहां आप जाना चाहते हो उसे विजुअलाइज कहते हैं. किस चीज के विचार बनाना, ड्रीम करना, किस चीज को इमेजिन करना, थिंक अबाउट, ये कॉमन शब्द है. NYC बहुत अच्छा शब्द है. किसी चीज के बारे में गहनता से सोचना, विचार करना, या आंखों के आगे उसको फोटोग्राफिकली याद करना, वो NYC होता है. विजुअलाइज टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू. हमेशा इस बात को अपने मन में रखें कि जिंदगी को मैं बेस्ट कैसे बना सकता हूं, मेरे अंदर का जो बेस्ट वर्जन है वो कैसे बाहर आएगा, इसके बारे में लगातार आपके विचार चलने चाहिए. विजुअलाइज टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, यानी कि हमेशा एक विचार रखें कि आप अपना बेस्ट वर्जन कैसे बनेंगे. विजुअलाइज टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू. विजुअलाइज का मतलब मन में विचार पालना, मन में विचार बनाना कि आपके अंदर का जो बेस्ट वर्जन है वो कैसे बाहर आएगा. विजुअलाइज टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू. नेक्स्ट बेटा, अब टेस्ट पर आते हैं, या एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे सेंटेंसेस को. लेट्स डू अ क्विक रिविजन ऑफ ऑल द सेंटेंसेस. जो भी सेंटेंस हमने बनाए जिन शब्दों से, तो एक बार उन सेंटेंसेस को लिख लेते हैं, या एक बार देख लेते हैं. आपने लिखे होंगे, लेट्स रिवाइज देम. नहीं भी लिखे तो दोबारा देख के आप सेशन को देख लीजिएगा, राइट. पहला सेंटेंस है, पढ़ के देखें. द ओरिफिसिस ऑफ नोज, या द ओरिफाइसिस ऑफ नोज, जो भी आप पढ़ना चाहें, हेल्प अस ब्रीद, सांस लेने में मदद करते हैं क्या, कि जो नाक के छेद हैं, राइट. ऐसे ही द ओरिफिसिस ऑफ ईयर्स हेल्प अस हियर, सुनने में मदद करते हैं. प्री एम्प्ट्री, आई फील मोटिवेटेड बाय द प्री एम्प्ट्री टोन ऑफ माई कोच. आई फील मोटिवेटेड बाय द प्री एम्प्ट्री टोन ऑफ माई कोच. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा ये वाक्य, और अगर ये वाक्य समझ में आ रहा है तो कॉम्प्रिहेंशन हो रही है. ये सारे वर्ड्स और सेंटेंस किसको इम्प्रूव करेंगे? भाषा की समझ को, राइट. भाषा की समझ को गहरा लेके जाएंगे. मुझे मोटिवेटेड महसूस होता है प्री एम्प्ट्री टोन जब मेरे कोच की मुझे सुनाई देती है. प्री सम्शियस, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट जो दूसरों को अभद्र लगे. इट्स प्री सम्शियस ऑफ यू टू टॉक अबाउट देयर पर्सनल लाइफ. इट्स प्री सम्शियस ऑफ यू, कोशिश किया करें मन मन में बोलने की, या फिर ओरली बोल सकते हैं तो ओरली बोलने की, जहां भी आप बैठे हैं, राइट. इट्स प्री सम्शियस ऑफ यू टू टॉक अबाउट देयर पर्सनल लाइफ. रिवल्शन, शी लुक्ड एट द कोनमैन. कोनमैन माने ठग, चीटर, बैड पर्सन. वो कोनमैन की तरफ, एक ठग की तरफ वो उसने देखा. विद अट्रैक्शन, विद चार्म, या विद रिवल्शन. विद रिवल्शन, घृणा से भर के उसने देखा. नेक्स्ट, स्केप्टिकल माने शक्की होता है. बींग अ स्केप्टिकल लेडी, हिज वाइफ इज अ पेन हिज इन हिज नेक. एक शक्की औरत होने के नाते उसकी जो वाइफ है वो उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जिंदगी की, अ पेन इन हिज नेक. सेक्लूजन, दे बिल्ड अ हाउस इन फॉरेस्ट फॉर द लाइफ ऑफ सेक्लूजन. जिंदगी, एकांत की जिंदगी को महसूस करने के लिए उन्होंने जंगल में एक घर बनाया. दे बिल्ड अ हाउस इन फॉरेस्ट फॉर द लाइफ ऑफ सेक्लूजन. स्पूर, एवरी डॉग लीव्स स्पूर टू कम बैक. हर एक कुत्ता, हर एक डॉग स्पूर छोड़ता है, कोई ऐसी स्मेल या ट्रैकिंग पॉइंट छोड़ता है ताकि वो उस जगह से वापस आ सके, ट्रेवल बैक कर सके. स्पोर, स्पोर बिकम्स द बेस ऑफ लाइफ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो सेल जो कि अपने आप को बदल लेती है एक प्लांट और एनिमल में, वही बेस बनती है किसी प्लांट्स या एनिमल की लाइफ का.
अल्टीरियर वर्ड आ गया। अल्टीरियर का मतलब हिडन होता है। स्पाई कीप्स हिज प्लान अल्टीरियर, वो हिडन रखता है गुप्तचर अपने प्लान्स को कि वो किस मिशन पर है। विजुअलाइज टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, अपने अंदर के बेस्ट वर्जन को निकालने के लिए लगातार अपनी आंखों के आगे ये रखा करो कि मुझे जिंदगी को बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है, नहीं तो ये नीचे की तरफ। जिंदगी की ऊर्जा को वेलोसिटी चाहिए, अगर इसे आप ऊपर नहीं लेके जाए तो बाय डिफॉल्ट ये नीचे की तरफ आएगी, राइट, और हमेशा पतन की तरफ वो ऊर्जा बहने लगेगी। और अगर उसे उत्कर्ष की तरफ लेके जाना है, प्रकाष्ठा की तरफ लेके जाना है, तो एफर्ट्स लगेंगे, दम लगेंगे। चलिए अब टेस्ट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहला वर्ड आपके सामने, और अपनी स्कोरिंग बताइएगा जरूर। पहला वर्ड आपके सामने स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है, अभी अभी हमने किया शक की, तो आपके हिसाब से स्केप्टिकल के लिए कौन सा वर्ड आएगा? स्केप्टिकल के लिए बाकी सारे वर्ड्स को भी हम जान लेते हैं। देखिए डाउर का मतलब होता है गंभीर, सैड, सैड एंड सीरियस, जो गंभीर होता है, उदास होता है, वो होता है डाउर। रिपग्नेंस का मतलब घृणा होता है, ये वर्ड आपने आज भी पढ़ा है वैसे, घृणा होता है। अब इसमें डाउटफुल माने शक्की होता है, तो ये इसका हो गया सिनोनिम, ये हो गया मिलता जुलता वर्ड। और बी कॉन्फिडेंट, ये हो गया इसका उल्टा शब्द। जो हर एक बात को लेकर शक करे वो स्केप्टिकल, और किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति कॉन्फिडेंट हो, ऑब्वियस हो, सर्टन हो, तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। स्केप्टिकल का मतलब क्या? शक्की, डाउटफुल। रिवल्शन को मैं आपको एक कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ। रिवल्शन आप क्या समझते हैं? इसका इसका मतलब फॉरबिड है, डिसगस्ट है, डेक्सटीरिटी है, या चार्म है? तो रिवल्शन का मतलब आप पाएंगे कि रिवल्शन माने घृणा होता है, बिल्कुल सही, रिवल्शन माने घृणा होता है, जैसे रिपग्नेंस का मतलब घृणा है, दोनों सिनोनिम ही है, राइट, तो डिसगस्ट का भी मतलब घृणा है, यानी कि ये इसका सिनोनिम हो गया। और चार्म का मतलब क्या है? अट्रैक्ट, जो डी ऑप्शन है, ये इसका एंटोनिम हो गया। चार्म का मतलब क्या? अपनी तरफ ध्यान खींचना। चार्मिंग का मतलब क्या है? वो चार्म करता है, वो अट्रैक्ट करता है। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? कोई चीज मना करना, किसी चीज की मनाही। फॉरबिड का मतलब जबरदस्त सख्ती से मना करना किसी चीज को, वो फॉरबिड होता है, यानी कि ऑर्डर प्लस नॉट। नरेशन जब हमने की थी तो नरेशन में हमने देखा था कि फॉरबिड बनता है ऑर्डर प्लस नॉट से। माय फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो आउट एट नाइट, तो माय फादर फॉरबेड मी टू गो आउट एट नाइट। तो फॉरबिड का मतलब सख्ती से मना करना। और डेक्सटेरिटी का मतलब होता है स्किलफुलनेस, यानी कि कुशलता। किसी काम में अगर कोई व्यक्ति परफेक्ट है तो वो कुशलता क्या कहलाती है? डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी मीन्स कुशलता, स्किलफुलनेस, राइट। कोई भी वर्ड लिखें जरूर, अगर नया शब्द है तो ऐसा ना हो कि आपके नोट्स में ना आए। तीसरे वर्ड के लिए भी मैं आपको एक कुछ सेकंड का टाइम दूंगा। प्रीसम्पशियस से आप क्या समझते हैं? क्या इसका मतलब इंसोलेंट है, या इरोजन है, या डाइवेस्ट है, या मोडेस्ट है? इसमें यह बता दूं, डाइवेस्ट का मतलब होता है ध्यान भटकाना या वंचित रहना किसी चीज का, जैसे डिप्राइव्ड है, किसी चीज से वंचित रह जाना, कोई चीज किसी से छीन लेना, वंचित रहना या छीन लेना, दैट इज कॉल्ड डाइवेस्ट। मैनी स्टूडेंट्स आर डाइवेस्टेड ऑफ एजुकेशन, यानी कि वो एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती अच्छी। इरोजन का मतलब आप जानते हो, किसी चीज का क्षरण होना, जैसे सॉइल इरोजन समझते होगे आप, मृदा अपरदन, जो मिट्टी की ऊपरी परत, जो उपजाऊ परत है, अगर वो हट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन, राइट। तो इरोजन का मतलब पतन भी होता है, इरोजन का मतलब किसी चीज का धीरे धीरे खत्म भी होना होता है। जैसे अगर आप किसी चीज को रिवाइज नहीं करते हैं, मान लीजिए आपने क्लास तो की है, कोर्स तो किया है, पर आप अपने नोट्स रिवाइज नहीं करते, आप बार बार उन्हें पढ़ते नहीं, तो वो पढ़ना ना पढ़ना बराबर है, क्योंकि वो ज्ञान ही क्या जो समय पर काम ना आ सके, वो विद्या ही क्या जो समय पर काम ना आ सके, फिर तो खाम खाम ने टाइम खराब किया, राइट। तो इरोजन हो जाता है, शरण हो जाता है, वो चीजें जो दिमाग में परमानेंट रहनी चाहिए उनको इरोजन नहीं होने देना चाहिए, धीरे धीरे खत्म होना। प्रीसम्पशियस का मतलब इंसोलेंट होता है, ये इसका सिनोनिम है बेटा, मिलता जुलता है, इसका मतलब अभद्र, इतना कॉन्फिडेंट जितना कि नहीं होना चाहिए, वो अभद्रता की सेंस में। और मोडेस्ट माने ठीक ठाक सा, ये इसका एंटोनिम शब्द हो जाएगा, ये इसका उल्टा शब्द हो जाएगा। मोडेस्ट का मतलब सही सही, रीजनेबल सा। तो तीन वर्ड्स हमने किए अभी तक, चौथे की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड चौथा है प्रीएम्प्टरी। सात तक हम इसमें करेंगे। प्रीएम्प्टरी आपके हिसाब से क्या है? प्रीएम्प्टरी जरा मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम देता हूं, और अगर आगे भी सॉल्व कर सकते हो तो कर लीजिएगा। प्रीएम्प्टरी सिविल ऑटोक्रेटिक मर्की कॉन्ग्लोमरेशन। कॉन्ग्लोमरेशन का तो मतलब एक तरीके से मीटिंग हो गया, कोई चीज़ मीटिंग की होती है, मीटिंग बुलाई जाती है, लोगों की सभा बुलाई जाती है, तो सभा या मीटिंग को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्लोमरेशन।
राइट। अच्छा, इसी में मर्की का मतलब धुंधला होता है बेटा। धुंधले को हम क्या कहते हैं, जो धुंधला होता है, वेग होता है, हेजी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मर्की। राइट। अब दो वर्ड्स बचे, सिविल और ऑटोक्रेटिक। प्रीएम्प्टरी का मतलब क्या होता है, प्रीएम्प्टरी का मतलब होता है आस्किंग स्विफ्ट एक्शन। याद आया सेंटेंस कि आई फील मोटिवेटेड बाय द प्रीएम्प्टरी टोन ऑफ माई कोच। तो प्रीएम्प्टरी का मतलब क्या, ऑटोक्रेटिक, आस्किंग फॉर स्विफ्ट एक्शन, यानी कि लगातार वो ये कहता है कि भाई जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लो। तो ऑटोक्रेटिक हो गया सिनोनिम, यानी कि मिलता जुलता शब्द इसका। और सिविल जो सभ्य है, वैसे सिविल वो असभ्य नहीं कहा जाता, प्रीएम्प्टरी, प्रीएम्प्टरी में बस ये है कि कई बार असभ्यता मान ली जाती है पर ऐसा होता नहीं, सिविल का मतलब सभ्य होता है। ये इसका एंटोनिम हो गया बेटा। ऑरिफिस का मतलब आप क्या समझते हैं, डिजल्ट्री का तो मतलब होता है एमलेस। डिजल्ट्री का मतलब क्या है, एमलेस, रैंडम, बगैर सर पैर का। जैसे बहुत सारे बच्चे, राइट, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 10वीं 12वीं क्लास में, और वो 12वीं क्लास में ये कहते हुए पाए जाते हैं, भाई साहब शाम को ऑफिस में मिलते हैं। मतलब दे हैव डिजल्ट्री लाइफ। ऑफिस कोई ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम धंधा छेड़ दिया है तो 12वीं क्लास में ऑफिस में वहां पे क्या करेंगे, बैठ के शाम को वो दारू पियेंगे, राइट, फालतू की बातें करेंगे और अनाप शनाप चीजें करेंगे। यानी कि दे आर लीडिंग व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, डिजल्ट्री लाइफ। कोई एम नहीं बनेगा ऐसे बच्चे का, क्यों, क्योंकि उनकी जिंदगी रह जाएगी डिजल्ट्री। वो अपने आप में मानेंगे कि हम तुर्रम खां हैं, हम एक साथ 10 12 कहीं भी जाएंगे और किसी को भी मारपीट करके आ जाएंगे, बट दैट डज नॉट मेक सेंस, राइट। ये बिल्कुल नॉनसेंस चीजें हैं। इसीलिए माँ बाप को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कि बच्चा कर क्या रहा है, कहीं उनकी लाइफ डिजल्ट्री ना हो जाए, एमलेस ना हो जाए, राइट। अपोथियोसिस का मतलब होता है बेटा बेस्ट एग्जाम्पल, आदर्श, जिसे कहते हैं ना किसी चीज का आदर्श एग्जाम्पल, राइट। आदर्श यानी कि आइडियल बोलते हैं जिसको, उसको अपोथियोसिस कहते हैं बेटा। आइडियल माने आदर्श होता है। और बोनाफाइड का मतलब होता है रियल। एक तो होता है कॉपी किसी चीज की, एक जो रियल होती है, जेन्युइन कोई चीज होती है, ऑथेंटिक जो चीज है, रियल माने असली। जैसे बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब फोटोकॉपी नहीं, असली डॉक्यूमेंट्स आपके, दैट इज कॉल्ड बोनाफाइड बेटा। तो अब इसके उल्टे और सीधे शब्द देखते हैं अगर मिलेंगे तो, अपैचर माने ऑरिफिस का मतलब छेद होता है, ये इसका सिनोनिम है, उल्टा कोई है ही नहीं इसका, तो कोई बात नहीं, हमें सिनोनिम मिल गया, अपैचर इसका एक सिनोनिम शब्द है। एनवाईसीएच के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ, एनवाईसीएच से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, दूसरे वर्ड्स के बारे में देख लें पहले। एनवाईसीएच का सीधा सीधा मतलब है विजुअलाइज, ये इसका सिनोनिम हो गया, मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना, अच्छे से सोचना, दैट इज कॉल्ड एनवाईसीएच बेटा। ब्यूटिफिक का मतलब होता है शानदार, कोई चीज़ जो शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद जिसे कहते हैं, राइट, उसे हम ब्यूटिफिक कहते हैं। ब्यूटिफिक परफॉर्मेंस बाय इंडियन टीम, ब्यूटिफिक परफॉर्मेंस बाय साउथ अफ्रीकन टीम, तो ब्यूटिफिक का मतलब शानदार, बहुत जबरदस्त। एवरेज का मतलब, ये वर्ड बहुत बार कर चुके, सोचो क्या होता है, ये वर्ड बहुत बार आ चुका, कम से कम 20 30 बार हम अपने सेशन में कर चुके। एवरेज का मतलब क्या होता है, नहीं याद आ रहा, इसका मतलब आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, लालच, ग्रीड। असिड्यूसली का मतलब क्या होता है, ये वर्ड भी कम से कम 25 30 बार हमारे सामने आ चुका है, अगर नहीं आपको याद आ रहा है इसका मतलब आप अपने नोट्स को रिवाइज नहीं करते अच्छे से, विच इज़ नॉट गुड थिंग, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। फिर इन सेशंस को लेने का कोई फायदा नहीं बेटा, अगर आप अपने पुराने नोट्स को रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं नए सेशंस को करने का, मेहनत से करना कोई चीज़, मेहनत से अगर कोई चीज़ करना, जैसे ही डिड इट असिड्यूसली, असिड्यूस कौन होता है, मेहनती किस्म का आदमी, उसे हम असिड्यूस कहते हैं। तो मेहनत से कोई काम करना, एवरीस माने लालच, राइट, लालच बुरी बला है, एवरीस इज अ वेरी बैड थिंग, या एवरीस इज इल विल, एक बुरी मंशा है व्यक्ति की। अगला वर्ड अल्टीरियर है, अल्टीरियर का मतलब हिडन होता है, राइट, कोवर्ट का भी मतलब हिडन होता है, कोवर्ट का भी मतलब हिडन है, अल्टीरियर हिडन है, इसका मतलब छिपा हुआ, ये हो गया इसका सिनोनिम, और ओपन ये इसका हो गया एंटोनिम, यानी कि उल्टा शब्द। एड्यूलेशन का मतलब, ये भी वर्ड बहुत बार आ चुका है, बताइए, अगर वर्ड्स याद नहीं आ रहे तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं, राइट। एड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना, जो चापलूसी है, तलवे चाटने का जो भाव है, वो चापलूसी, दैट इज कॉल्ड एड्यूलेशन। थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है बेटा दहलीज, जो घर की दहलीज होती है उसे थ्रेशहोल्ड कहते हैं, राइट। थ्रेशहोल्ड का मतलब क्या है, दहलीज, सक्सेस एट योर डोर स्टेप, तो इसको डोर स्टेप भी कहते हैं ना, दहलीज जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, घर की दहलीज पर, घर की दहलीज लांगना, तो थ्रेश होल्ड का मतलब दहलीज जिसे कहते हैं आप, दैट इज कॉल्ड थ्रेश होल्ड बेटा। चलिए 8वें पर आ गए, आपको मौका देते हैं थोड़ा सा,
आठवीं के लिए कुछ सेकंड का टाइम देंगे सेक्लूशन के लिए। एसयू भी बहुत बार आ चुका, सेक्लूशन, सेक्लूशन मतलब एकांत, बिल्कुल एकांत में रहना। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, आइसोलेशन, ये हो गया सिनोनिम। और इंक्लूजन, कंपनी, ये क्या हो गया, एंटोनिम, किसी का साथ। एस्यू का मतलब होता है स्टे अवे, परहेज करना, किसी चीज से दूर रहना, स्टे अवे, किसी चीज से दूर रहना, दैट इज कॉल्ड एस्यू बेटा। और विट्रियोलिक, विट्रियोलिक का मतलब होता है गाली गलौज से भरा हुआ, गाली गलौज, अभद्र, विट्रियोलिक का मतलब है गाली गलौज करना, अभद्र टिप्पणियां करना, गाली गलौज करना, विट्रियोलिक, राइट। सो ही यूज्ड विट्रियोलिक फॉर हिज नेबर्स व्हेन ही वाज एंग्री, इसका मतलब गाली गलौज, अब्यूसिव वर्ड्स, राइट। हिंदी में भी लिखा और इंग्लिश में लिख सकते हैं अब्यूसिव वर्ड्स, और भी वर्ड्स इसके लिए आते हैं, विटुपरेशन है, एक्सप्लिटिव है, स्वीयर वर्ड है, अब्यूसिव वर्ड्स या अब्यूसिव लैंग्वेज, या बहुत हार्ड शब्दों का इस्तेमाल करना जो कि सामने वाले के लिए ऑफेंसिव हो। स्पूर का मतलब आप क्या समझते हैं, अब्यूसिव वर्ड्स, विटुपरेशन भी अब्यूसिव वर्ड्स ही होता है, पर आप जानते हैं स्पूर का मतलब क्या है, स्मेल, ये इसका सिनोनिम है। विटुपरेशन का मतलब गाली गलौज, अब्यूसिव वर्ड्स, विट्रियोलिक। साइन क्वा नॉन, ये एक ही वर्ड है बेटा, साइन क्वा नॉन, आवश्यक शर्त, इंडिस्पेंसिबल कंडीशन, आवश्यक शर्त, साइन क्वा नॉन का मतलब है आवश्यक शर्त, ऐसी शर्त जो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, उसको पूरा किए बिना आप उस काम को नहीं कर पाओगे, आवश्यक शर्त। जैसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना साइन क्वा नॉन है, अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं या बाइक चलाना चाहते हैं, इट्स वाइक साइन क्वा नॉन। अगर आप वोट डालना चाहते हैं तो वोटर आईडी का बनना या होना, वो क्या है, साइन क्वा नॉन। ए पार्ट में आपके आ रहा है इम्प्यूनिटी का मतलब अभद्रता, 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 भद्रता, तो जो अभद्रता है, इंसोलेंस है, प्रीसम्पशियस नेचर है, उसको हम कहते हैं क्या, इम्प्यूनिटी भी कह सकते हैं, याद आया प्रीसम्पशियस, राइट। अगला वर्ड स्पोर है, स्पोर का मतलब सीधा सीधा, सीधी सीधी बात आ गई क्या, एक सेल, बोर्ड को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं जो साफ दिखे, सेल, एक सेल है, सेल मतलब सिनोनिम, ये इसका सिनोनिम हो गया। अगला वर्ड आ गया फ्लाउट, फ्लाउट का मतलब होता है किसी चीज का उल्लंघन करना, जैसे रेड लाइट थी और आप जंप कर गए, तो आपने रूल को क्या किया, फ्लाउट किया, यानी कि फ्लाउट का मतलब होता है ब्रेक द रूल, किसी नियम को तोड़ना, उसका पालन ना करना, दैट इज कॉल्ड फ्लाउट। कैपिचुलेशन, हार मान लेना या हार मानने की तैयारी या हार मानने की प्रक्रिया, कैपिचुलेशन का मतलब क्या है, हार मानना, दैट इज कॉल्ड कैपिचुलेशन, यानी कि किसी ने आके हमारे ऊपर उस लेवल तक प्रहार कर दिया कि राज्य क्या कर गया, कैपिचुलेट कर गया, कैपिचुलेट का मतलब वो उसकी पूंजी बन गया, राइट, वो उसके अंडर आ गया, कैपिचुलेशन का मतलब हार मानने को हम कैपिचुलेशन कहते हैं, बहुत अच्छा शब्द है, राइट। सो यू शुड नेवर कैपिचुलेट बिफोर द नेगेटिव थॉट्स, तो इसका मतलब कभी हार नहीं माननी चाहिए। और पार्टीशन का मतलब होता है बेटा सपोर्टर्स, जो सपोर्टर्स होते हैं, सपोर्ट करने वाले, दे आर कॉल्ड पार्टीशंस, यानी कि समर्थक, सपोर्टर्स, समर्थक, पार्टीशंस। तो ये सारे वर्ड्स रहे बेटा, तो आज भी हमने अपने सेशन में, जैसे कि हम हर सेशन में करीबन 100 वर्ड्स के आसपास करते हैं, तो आज भी हमारे 100 वर्ड्स के आसपास कवर हुए, राइट। क्योंकि अगर हम 10 टेस्ट में वर्ड ले रहे हैं तो हर एक वर्ड के साथ हम 5 कम से कम ले रहे हैं, तो इसका मतलब 50 ही है। और वैसे सिनोनिम में हम ऊपर 50 के लगभग डिस्कस करते हैं, यानी कि हर एक सेशन को अगर आप अच्छे से करते हो तो लगभग 100 वोकैबुलरी आपकी कवर होती है। सो आज के कॉपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार इन सेशंस को देखते रहे, और ये सेशंस मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो वाकई में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो अपने शुभ चिंतकों को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसका उद्देश्य पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं है, इन सेशंस का उद्देश्य अपने आप को एज अ यूट्यूबर स्थापित करना बिल्कुल नहीं है। अब इन सेशंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है
कि आपको फ़ायदा हो, आपके प्रियजनों को फ़ायदा हो, आप जिनको इम्प्रूव करना चाहते हैं कि उनके शब्दों और वाक्यों में एक अलग आभा हो। आप पहली बार सेशन को देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं आ रहा है, पर अगर इसी सेशन को आप तीसरी चौथी बार देख रहे होगे तो आपको ये सारे वर्ड्स, मैं जुबान देता हूँ, ये सारे वर्ड्स आपको ऑन टंग हो जाएंगे। पर वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब सेम सेशन को आप तीसरी चौथी बार रिवाइज कर रहे होगे, इससे पहले नहीं होगा, राइट? क्योंकि धीरे धीरे रेमना सहज सहज सब होए और माली सी चे सोघड़ा ऋतु आए फल होए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। लगातार पिछले सेशंस को रिवाइज करते रहें, लगातार अपनी नोटबुक में जो नोट्स मैंने पढ़ते रहें। स्टे हैप्पी, स्टे काम, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे क्रिएटिव। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।